नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद हंगामा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि सदन में राहुल गांधी ने झूठ बोला है। वहीं राहुल के इस भाषण का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। दरअसल जहां एक ओर एनडीए की ओर से राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को लहूलुहान करने का कार्य किया है। इसके लिए उन्हें दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी सोमवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी परिपक्व होंगे, मगर खेद होता है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार का बयान देगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। राहुल ने हिंदुओं पर जो टिप्पणी की है, वो सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता को लहूलुहान करने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर जिन लोगों ने कुछ भ्रम पाला होगा, उनका भ्रम टूट गया। कांग्रेस के राहुल गांधी को भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। ये बात स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को कैसे समझ में आएगी। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबी बताया। तो फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर चारों ओर से वार पलटवार का दौर चालू है। हालांकि राहुल गांधी के इस भाषण को अभी संसद की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। हालांकि इस पर अभी और राजनीति गर्म होने की संभावना है। इस पर हमारी लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टोरी हाउ।